सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। तो देखिए, ये न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे 1904 में और ये एक जर्मन ज्यूज परिवार के रहने वाले थे और ये एक चाइल्ड जीनियस थे। और क्योंकि ये 10 साल की एज में ही ये हाई फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते थे और जब ये 12 साल के थे तभी ये देखिए, इनको मिनरोलॉजी के बारे में छोटे बचपन में अपने बहुत जानकारी था। तो इन्हें मिनरोलॉजिकल क्लब में जब 12 साल के थे तो इनको बुलाया गया लेक्चर देने के लिए और उन्होंने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया। उसके बाद 1922 में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उसके बाद और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की थी, जो 4 साल की कोर्स थी, वो इन्होंने 3 ही साल में कम्प्लीट कर ली। उसके बाद जब ये 23 साल के थे 1927 में, तभी मात्र 23 साल के एज में इन्होंने पीएचडी कर डाली। उसके बाद देखिए, ये इतने जीनियस थे, चाइल्ड जीनियस थे। उसके बाद जो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई 4 साल की जो डिग्री थी वो 3 साल में ले ली। लेकिन इनका एक डार्क साइड भी था, वो ये था कि चेन स्मोकर थे, मतलब डेली स्मोक करते थे। तो इनका डार्क साइड था। और ये एक बार ये भी बोले थे कि आई नीड, अपने ब्रदर से ये बोले थे कि आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स, यानी कि इनको पढ़ाई से अपने बहुत ज्यादा मोह था इसलिए। लेकिन जब 1930 में जब राइस था, हिटलर का जब राइस हो रहा था जर्मनी पे, तब इनको अत्याचारों के बारे में पता चला। असल में जर्मन ज्यूस क्योंकि ये थे, तो उनको पता चला कि जर्मन ज्यूस जो है वो कैसे कैसे मारा जा रहा है जर्मनी में। अगर कोई, अगर एक घर में अगर 5-6 लोग हैं, उसमें से अगर एक भी जर्मन ज्यूस है तो उसकी उसे झट से उस घर, पूरे घर को ही ओढ़ा लिया जा रहा है। तो ये कि इतना अत्याचार हिटलर कर रहा था, तो इसीलिए वो पॉलिटिकली अवेयर हुए। और वहाँ से गए, कुछ साइंटिस्ट भी आ गए, जैसे एडवर्ड टेलर आ गए जो कि आगे चल के हाइड्रोजन बम बनाए। उस और वहाँ से जो आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी जर्मनी ज्यूज थे, तो वो भी जर्मनी छोड़ के अमेरिका आ गए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, वो भी वहाँ पर छोड़ के अमेरिका आ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कि अमेरिका को कहीं से पता चला कि जर्मनी के पास ये न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी, उसके पास फॉसिल वॉसिल सब है, जिससे वो अगला नंबर हो सकता है कि अमेरिका का ही हो, हिटलर हो सकता है अमेरिका पे ही कब्जा कर ले। तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने फुल जी जान से अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने लगे और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहैंड। ओके, और इसके लीडर जो थे, पहले तो लीडर उसका कोई और था, लेकिन फिर कुछ सालों बाद लीडर ओपेनहाइमर को बना दिया गया इस पूरे प्रोजेक्ट का। फिर चालू हुआ प्रोजेक्ट वाई। ये सब तरीके का प्रोजेक्ट चल ही रहा था, एक ऐसा उन लोगों को जगह चाहिए थी जहां पर उनका रियल काम हो। तो ऐसा जगह कहां मिलता, तो वो बताया मेक्सिको के बहुत जहां पे ओपेनहाइमर अपना समर वेकेशन बिताए थे, मेक्सिको सिटी के अंदर। और वो जगह के बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन बहुत अच्छा जगह था वो, और वो एकदम सीक्रेट भी था, किसी को कुछ पता वता भी नहीं चलता। तो वहां पे जाके सब कुछ बनाने लगा, वहां पे टाइम वाइम चलने लगा। तो फिर देखिए, जो बनाने के बाद में सबसे पहले मोड आया, सबसे पहले ये चीज आया कि भाई पहले यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम से ही खो रहा था, यूरेनियम 35 से, तो यूरेनियम 35 को कैसे फाउंड किया जाए, यूरेनियम 38 से 35 को कैसे निकाला जाए, ये किसी को नहीं पता था कि यूरेनियम 38 से 35 को कैसे निकाला जाए। तो निकालते निकालते पता चला कि टूटोनियम नाम का भी एक फॉसिल होता है और वो यूरेनियम 35 से ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है और ज्यादा वो चेन अटैक भी उसका ज्यादा होता है, चेन डैमेज। तो इसीलिए एक तो प्लूटोनियम बनाया गया, तो प्लूटोनियम का जो बॉम्ब था उसको नाम दिया गया फैट मैन, और जो हमारा यूरेनियम 235 का बॉम्ब था उसे दिया गया लिटिल बॉय नाम। ओके, तो जो लिटिल
पार्ट था वो एक गन शेप का था और वो ऑलरेडी साइंटिस्ट जानते थे, जिस पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो जो प्लूटोनियम था उसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा शुरू शुरू में था तो इसीलिए सब लोग जानते नहीं थे कि इतना कि अगर होगा नहीं, हो सकता है कि बम गिरा दिए बट में पता चला कि वो बम फूटा ही नहीं तब और बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो इसीलिए एक टेस्ट करने का सोचा। और जो ओपेनहाइमर थे जो इस प्रोजेक्ट को रीड कर रहे थे, उन्होंने एक गैजेट है, एक गैजेट जिसमें 13 पाउंड प्लूटोनियम था, वो 13 पॉइंट प्लूटोनियम वहां एक टावर से गिरा दिया। और जो धमाका सोचा था ओपेनहाइमर ने वो था करीब 0.23 TNT। हाँ, इतना धमाका, इतना बड़ा धमाका होगा, लेकिन हुआ इसका 50 गुना ज्यादा और इसका 12 किलोमीटर ऊपर तक और 4000 फीट ऊपर तक, 40,000 फीट ऊपर तक मशरूम क्लाउड बने और 160 किलोमीटर तक जो उसके क्लाउड थे धमाका होने के बाद वो गए। तो उसके बाद पता चल गया इन लोगों की प्लूटोनियम कितनी डिस्ट्रक्टिव चीज है। तो इसके लिए ओपेनहाइमर डर गए और वो उनके मुंह से भगवद गीता की एक लाइन निकल गई, नाउ आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। तो उनके भगवद गीता से भी उनके मुंह से भगवद गीता की भी लाइन निकल गई क्योंकि वो एक संस्कृत स्कॉलर थे। ओके, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो लिटिल बॉय है और फैट मैन का हम लोग को काम करना था, तो लिटिल बॉय को गिराया गया नागा छाती पे और जो फैट बॉय था उसको गिरा दिया गया हिरोशिमा पे। क्योंकि जापान ने कुछ कुछ ऐसा किया था जिसके कारण अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होना पड़ा और उसने 2 बम एटम बम गिरा दिए उस पर। उसके बाद जो धमाका था उसके कारण जो ओपेनहाइमर थे वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने खुद गए और बोला कि मैंने क्या टेक्नोलॉजी दे दी इंसानों के हाथे। और वो लोग बहुत सारे कर और फिर उन्होंने बहुत कोशिश की और वो यूएस के साथ मिलके एक ऐसा चीज भी किए कि ज्यादा से ज्यादा अपने जो एटम बम होते हैं उनको रोका जाए, उनको विस्फोट कहीं अगर कोई गिरा रहा है तो उनको भी रोका जाए। 2 कंट्री के बीच में वार चल रहा है, अगर कोई एटम बम गिराएंगे तो उसको रोका जाए। तो ये यूएस के साथ मिलकर ये लोग कर रहे थे। तभी एक ऑर्डर यूएस जो यूएसए की मिलिट्री थी वो इनको बोली कि हाइड्रोजन बम बना दिए। इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली मना कर दिया लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था कि एडवर्ड टेलर जो थे वो एडवर्ड टेलर ही आगे चलकर हाइड्रोजन बम बनाए और इन्हें फाउंडर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। और देखिए जो आइंस्टाइन थे उनकी तरह ही इनकी लेफ्ट विंग बेचारा कर रही थी, तो ये कहीं बात वूट को लीक ना कर दे, इसीलिए इनको यूएसए के नौकरी से इनको हटा दिया गया। फिर ये दुनिया भर में लेक्चर देते देते इनका देहांत हो गया और इनका देहांत जैसे कि मैंने आपको बताया था जब इनकी एज 62 थी तभी ये चल बसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ओपेनहाइमर कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने वो एक चाइल्ड जीनियस थे, उन्होंने जो 4 साल की डिग्री थी वो 3 साल में कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने एटम बम बनाया, उनको फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। फिर उनको दुख हुआ तो फिर उन्होंने उसको वापस लेने का प्रयास किया और फिर हाइड्रोजन बम बनाने से स्ट्रिक्टली बना कर दिया, फिर भी आगे चल के बनाए वो हाइड्रोजन बम। तो यह क्लियर हो गया होगा कि ओपेनहाइमर कौन थे क्या थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।